जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं फिर से जो मेरा शीर्षक है आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र, इसके तीसरे भाग के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। कुछ जो इससे पहले तो मैंने कुछ छात्रों से बात किया था, बच्चों ने जो जवाब दिया था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या परेशानी होती है, उनके असफल होने का क्या कारण होता है, वो क्यों एग्ज़ामिनेशन में जो है अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, इसका उन्होंने बताया था कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। कुछ और जो इंटरेस्टिंग जो बातें बताते हैं छात्र, उनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कुछ बच्चों से मैंने सवाल और किया तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो नंबर हैं वो कम आते हैं, इसका कारण ये है कि आजकल के एग्ज़ामिनेशन में क्या है कि निगेटिव मार्किंग का सिलसिला चला हुआ है, यानी प्रश्न में जो है निगेटिव मार्किंग होता है, लिखा रहता है, और बच्चे जो है डर जाते हैं कि निगेटिव मार्किंग है, अगर मैंने उसको सही है, मतलब टिक कर दिया तो मेरा जो सही है वो भी कट जाएगा, तो थोड़ा सा भी जो संदेह होता है ना। बच्चों ने ये बताया कि मैं कई ऐसे प्रश्नों को छोड़ आया जिसके बारे में मुझे थोड़ा भी संदेह था। तो ध्यान रखना है कि जब निगेटिव मार्किंग की बात है तो संदेह की बात, यहाँ पे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। आपको टोटली थॉरो रीडिंग करना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, तब जा करके आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ये परेशानी है कि ऑब्जेक्टिव तभी बना पाएंगे जब आपका थॉरो रीडिंग अच्छा होगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि हम बात को बना करके भी कभी कभी लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों ने ये बताया कि मेरी प्रश्न हल करने की या लिखने की जो स्पीड है वो बहुत कम है और इस कारण से मैं पूरा प्रश्न हल कर ही नहीं सका। तो ध्यान रखना ये है कि आप का जो टाइम है, समय है, वो निर्धारित है। तो अगर समय निर्धारित है तो समय के अनुसार से ही आपको काम करना होगा। अगर समय आपके अनुसार से मिलने लगेगा तो आप दिन भर बैठ के लिखना शुरू करोगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि अगर 3 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, तो आपको जो टाइम है उसके अनुसार से मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके अनुसार से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको पहले से लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। लिखने का प्रैक्टिस आप कब करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना, सारे बच्चे एक जैसे नहीं लिखते हैं, कुछ स्पीड में लिखते हैं, कुछ तो मोशन में भी लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपका स्पीड बहुत कम है तो आपको लिखने का प्रैक्टिस पहले से करना पड़ेगा, तब जा करके ऐसा हो पाएगा। समय अनुसार करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक है। तो बात ये, जैसे मैथमेटिक्स बनाते हैं आप, तो बनाना क्या है कि आपको मैथ आता है मतलब क्या, आप 2 घंटे में एक मैथ को डील करोगे थोड़ी, उसके लिए समय लगना है ना, तो ये ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने बताया कि सर्वप्रथम मैंने वो प्रश्न किए जो मुझे नहीं आते थे, मुझे आते थे, मतलब ऐसा बताया कि मुझे जो आता था मैंने किया, इसके बाद जो बच गया था, है ना, जैसे कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो ठीक ठाक लगे अनुमान सही, तो उसको मैंने लिख लिया, बाद में पता चला कि निगेटिव मार्किंग था और हमारा जो अनुमान है वो गलत हो गया, तो ये परेशानी हो जाती है। इस कारण से भी कभी कभी मार्किंग कम आते हैं, असफलता का कारण बन जाता है, है ना। इसके बाद बात है कि कुछ बच्चे तो ऐसा कहते हैं जैसे कि ट्रैफिक के कारण लेट हो गया, मैं एग्ज़ामिनेशन में लेट पहुंचा, इस कारण से मुझे जो है बैठने में भी ऑर्डर लेना पड़ा, आगे लेना पड़ा, उसमें लेट हुआ, तो मुझे लेट से पेपर मिला, लेकिन समय मिला कम, इस कारण से प्रॉब्लम में आ गया। जैसे बताता है, रास्ते में स्कूटर ख़राब हो गया, अतः मैं परीक्षा भवन में देर से पहुंचा, स्कूटर ख़राब हो गया, बाइक ख़राब हो गया, जो भी है। 2 दिन पूर्व अचानक बुखार हो गया था, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 2 दिन पहले जब एग्ज़ामिनेशन था उससे पहले बुखार हो गया और मैं सही तरीके से इस कारण से परीक्षा दे नहीं सका। तो भाई बहानेबाजी होती है, और ऐसा होता भी है कि आप बीमार पड़ भी जाते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन जब आने वाला है तो अपने आप को स्वस्थ रखें, जो हेल्दी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसको मेंटेन करके रखें। सुबह सुबह शाम जो है टहलने निकले, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, फिजिकली अगर फिट रहेंगे, मेंटली अगर आप फिट रहेंगे, तभी आप एग्ज़ामिनेशन में अच्छा लिख पाएंगे। तो ये है छोटी छोटी बातें जो है जो स्टूडेंट्स के थ्रू जो हुआ है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगले कुछ जो बातें हैं जो बच्चों ने बताया है उस पर मैं ज़्यादा विशेष डिस्कशन करूँगा कि आखिर उसको कैसे बच्चे जो है ठीक कर सकें, है ना। तो मैं अगले एपिसोड में फिर आऊँगा, अगले भाग में फिर लेकर के आऊँगा बच्चों से जुड़े कुछ सवाल और बच्चों से जुड़े उसके सवाल के निदान। थैंक यू।